हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है जर्मन संसद का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन संसद का नाम ड्यूमा था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा झूम खेती, जिसे घुमंतू खेती भी कहते हैं। एक आदिम प्रकार की कृषि थी जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता था और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों यानी कि लकड़ी के हलों द्वारा के जुताई करके बीज बोया जाता था। हलो यानी पुराने उपकरणों के द्वारा बीज को बोया जाता था। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती थी, जो फसल था उस प्रकृति पर निर्भर होती थी। आज के जैसा कोई भी खाद की किसी प्रकार का कीटनाशक दवा नहीं छिड़का होता था और उत्पादन बहुत कम होता था, जो प्रकृति पर निर्भर रहता था। जो कृषि पहले का सुबह उसका उत्पादन बहुत ही कम होता था। तो इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, निर्धनता की परिभाषा लिखिए, तो इसको आसानी से हम लोग यह बोल सकते हैं निर्धनता का अर्थ उस रासायनिक प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत या बुनियादी इकाओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर जान लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, भूखमरी से आप क्या समझते हैं, तो इसका आसानी से आंसर हो जाएगा विटामिन पोषक तत्व तो और अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप होता है, यानी कि जो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से विटामिन या पोषक तत्व जो भोजन के द्वारा मिलता है वह भी नहीं मिल पाता है, यानी नहीं मिल पाता है, तो उसे भूखमरी कहते हैं और भूखमरी से हमें कुपोषण का भी शिकार होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को मुख्यतः 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, और पाँचवा है संवैधानिक विचारों का अधिकार, और लास्ट छठा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। हम लोग 6 प्रकार के अधिकार को हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हो मतदाता सूची क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं, जो मतदान करने लायक होते हैं उस व्यक्तियों के लिस्ट को मतदान सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, नाथसेवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथसेवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए है ना कि राज्य लोगों के लिए। नाथसेवाद स्वतंत्रता तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 ईस्वी में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता था। एक प्रकार का विद्रोह है जिसका नाम है कोई। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनपज पर ही आधारित है। वो जो आदिवासी जनजीवन है सो वनों पर निर्भर रहते थे और वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधित आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वार्षिक कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी ग्रामीण आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 200 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इससे कम होने पर उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनकी आवश्यकता गेहूं तथा चावल करता है, उनका भंडारण करता है, किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार FCI अनाजों का भंडारण करती है। तो आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट करते जाइएगा और नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चुनाव के विभिन्न लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है और इसी कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां। तो पहला हो जाएगा उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति। दूसरा हो जाएगा राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाले आपराधिक तत्व। और तीसरा हो जाएगा पारिवारिक राजनीतिक। चौथा हो जाएगा जातियाँ और व्यवहारिक में पार्टियों की समानता। और पांचवा हो जाएगा नुकसान, छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान। तो इस प्रकार हम लोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिम विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने में देश की अक्षांशीय स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा इसके दक्षिण भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उत्तरी भाग में महाद्वीप से जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जान लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, युद्धों से जंगल निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं। पहला हो जाएगा, युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की लपेट में चढ़ जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध के समय सरकारी लकड़ी के विशाल भंडार तथा आरा मिलों को स्वयं भी जला डालती है ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ ना लग जाए। इसे स्कॉर्च अर्थ नीति कहते हैं, यानी कि भस्म कर भागो नीति कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग युद्ध से जंगल प्रभावित कैसे होते हैं इसका आंसर हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निर्धनता, कुपोषण,
को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए किन्हीं तीन निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। पहला हो जाएगा निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 ईस्वी में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, इसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस अधिनियम को नाम बदलकर इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। यानी कि इस जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वाला था, इसके अंतर्गत अगर 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को तो उसे भुगतान यानी कि रोजगार का हकदार होगा, यानी रोजगार जो भुगतान होगा उसे पैसा नगद मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में इसी प्रकार लिख दीजिएगा। भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में चुनाव आयोग की निम्नलिखित भूमिका है। पहला हो जाएगा चुनाव अधिसूचना जारी करने के से लेकर नतीजों की घोषणा तक सूचना प्रक्रिया का संचालन करना। सेकेंड नंबर हो जाएगा चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दंडित करना। तीसरा हो जाएगा चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। चौथा हो जाएगा जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा चुनाव कराना। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारत में वर्षा अनिश्चित होती है। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तन पाई जाती है। तीसरा, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली नदी की मात्रा में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है। नेक्स्ट है, एक लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है, दूसरी तरफ व्हाट्सएप की विशेषताओं के कारण क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं आंसर, शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, दिन गर्म और रात ठंडी होती है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। और नेक्स्ट है इसका, भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने प्रभावित होती है, इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु की तट पर होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक कंप्लीट कर लिए। और सारे सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल PP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, जहाँ तक हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।